पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार, 4 क्विंटल डोडा छुरा और 1.5 किलो अफीम बरामद। नमस्कार, मैं हूँ रिया पेटलीवाल, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए नीमच जिले की विशेष खबर। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ थाना प्रभारी जावर निरीक्षक जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। वहीं चौकी प्रभारी नयागांव रामपाल सिंह राठौर की टीम के द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी और नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में सख्त कार्यवाही की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं उनके पास से बरामद अवैध मादक पदार्थ को जब्त करने का काम भी पुलिस द्वारा किया गया। दरअसल रविवार की दोपहर को अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ मुखबिर से सूचना मिली थी। इस दौरान पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए नीमच नीमाहेड़ा हाईवे फोर लेन रेलवे फाटक के पास नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस ने नीमच से राजस्थान की तरफ से जाने वाली ट्रक नंबर PB05AB8513 को हमराह फोर्स की मदद से रोका। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो दालों के कट्टों के बीच में स्कीम बनाकर 20 काले रंग के कट्टों में छुपाकर कुल 4 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडा छुरा और प्लास्टिक की थैली में 1 किलो 500 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने मौके पर ही ड्राइवर चरणजीत सिंह, पिता निर्मल सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी फलकोटा, तहसील फिरोज, जिला जालंधर, पंजाब, और मलकीत सिंह, पिता मोहन सिंह, उम्र 46 वर्ष, निवासी गुमटाली, तहसील निकोतर, जिला जालंधर, पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनके खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 818 व 815 के तहत मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पुलिस अब आगे की छानबीन में जुट चुकी है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई में नयागांव पुलिस की सराहनीय भूमिका रही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।